मधुपुर रेलवे सुरक्षा बल ने सतर्कता अभियान के तहत 13,331 अप धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से अवैध रूप से बिहार ले जाए जा रहे 300 ml के 112 बोतल देशी शराब सामान्य बोगी से बाथरूम के पास प्लास्टिक की बोरी में लावारिस अवस्था में मधुपुर आरपीएफ द्वारा बरामद किया गया। देशी शराब मधुपुर आरपीएफ पोस्ट में लाया गया। जानकारी के अनुसार सामान्य बोगी में प्लास्टिक बैग में पड़ा कुल 112 बोतल देशी लैला शराब 300 ml बरामद किया। आरपीएफ द्वारा पूछताछ करने के कारण में किसी ने यात्रियों ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी, ये किसका है। जांच के बाद बैग में 300 ml का बोतल देशी लैला शराब जिसका मूल्य प्रति पीस 40 रूपये अंकित है, कुल मूल्य 4480 रूपये बताया जाता है। जब्त किए गए शराब को मधुपुर आरपीएफ ने आगे की कार्रवाई करते हुए जब्त शराब को देवघर उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर देवनाथ ने बताया बिहार में खपत करने के लिए शराब ट्रेन के जरिए ले जाई जा रही थी। मौके पर आरपीएफ एएसआई बीके पात्रो उत्पल मंडल हेड कांस्टेबल पीबी सिंह कांस्टेबल शौकेंद्र कश्यप आदि जवान मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।